अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على رسول الكريم وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم खुदा का दीन खुदा का दीन दीन खुदा का दीन खुदा का दीन 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 खुदा का दीन बचाना हुसैन जानते हैं दीनस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीनस्त हुसैन ओ दीन दियो थमो दीनस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीन पनास्त हुसैन खुदा का दीन बचाना हुसैन गूंगे बन के ना वो पढ़ो हुसैन जान बड़ा ही बदनसीब है जड़ा जिक्र नहीं करता हुसैन हुसैन या हुसैन इब्ने अली तेरी जवानी को सलाम या हुसैन इब्ने अली तेरी जवानी को सलाम खूने हैदर मोहम्मद की निशानी को सलाम
तेरी सूरत को सलाम, तेरी सीरत को सलाम, तेरी सूरत को सलाम, तेरी सीरत को सलाम, तेरे चेहरे को तेरी पाक पेशानी को सलाम। सीख दे उत्ते, वै सीख दे उत्ते मक्खन जमाना, डाडा औखा कमे वे बछड़े दे के दीन बचाना, ए पीर हुसैन दा कम। ओए बछड़े देख, बछड़े देख, उम्मत वसा छड़िया, उम्मत दी अमीरां ने ए दीन बचा छड़िया, ज़ैनब दिया वीरां ने खुदा का दीन, खुदा का दीन बचाना हुसैन। उची बोलो हुसैन, हुसैन जानते हैं हुसैन। एक मिसरा सुन लो, शेर अच्छे पड़े हो ना। खुदा का दीन, खुदा का दीन बचाना हुसैन जानते हैं, यजीदियत को मिटाना हुसैन, यजीदियत को मिटाना हुसैन जान। एक मिसरा शेर नहीं, सुन लो खुश हो गए। कहाँ कहाँ है दीवाने हुसैन जान, बहुत अच्छा हुसैन जान, जानते फाते करबला शाह सवारे करबला, मेरे आका दा लाडला हुसैन, पूरी दुनिया ते मुहर्रम दा चंद चढ़दा है। मैं 50 साल खिताबत विच अगर सब तो वड्डे इजतमा वेखे ने ते मुहर्रम शरीफ च वेखे, गली गली नगर नगर करबला आलियां पीरां दा जिक्र अगे नाल अगे अगले साल उस तो ज्यादा, उस तो ज्यादा हो रहा है। इस बात से वाकफ हैं जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएं गया है, मिट गए मिट गए हैं मिट जाएं
हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले। ओए बदबख्ता जिन्नू छुरियां ते कुहाड़ियां ते खंजर ते यजीद की तलवार नहीं खत्म कर सकी, तेरी तकरीर की करेगी? कई भौंकते मर गए तेरे ही दुश्मन, बताओ यहां दाल किसकी गली? दस रोजा प्रोग्राम खान का डुगरा, एक जगह नहीं साढ़े जिले आफसाबाद 13 जगह 10 रोजा प्रोग्राम हो रहे हैं। इतों आई गल रोक दी है, कभी 50 साल पहला इंज कर लेंगे, उठ पे पर चिड़के उठे। बहरहाल मुख्तलिफ टॉपिक ते गली गली नगर नगर तुसी जिक्रे हुसैन पाक सुने, बड़े बड़े आला नाथखाना कोलों शायरां कोलों जिवें यासीन अजमल साहब अल्लाम अजद सदर बयान कर रहे सन, उलमा भी माशाला, मैं तो एक छोटा जिहा बंदा वा, कोई फख्र मुदर्रसीन नहीं, या पीरे तरीके दाग छड़ दे मैनू, मैं पीरे तरीके भी कोई नहीं, मैं औली अल्लाह का अकीदत मानदा, पर इन्नी गल है वे पीड़ा पक्का मुतसब तरीन अहले सुन्नत व जमात। एदो सोहनी रात ने जिक्र किया है, यही दुआ की उन्हें पढ़ता फिर सू पता है उठो वजीर आजम जी तो यही यार हाँ। जिंदगी च जबान से झूठ नहीं आता, कोई ला इलमी चो पता कोई नहीं। दो मसले में करने ने, 10 मुहर्रम गुजर गया है, अज रात यारां दी ते मैं सिर्फ ये बयान करना है वो सैयदादियां कदों ते कीवें खेमियां चों निकलियां, ए बयान करना कोशिश करनी है। अल्लाह मैनू हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। हुण गल ध्यान नाल सुनिया जे, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਨਾਰੇ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ, ਫਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀਆਂ, ਫਤਵੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲੀ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਤੈਨੂੰ इमामे हुसैन दा वास्ते पुछी, जे मेरी गल गलत साबित कर दे वे, तेरा जमीर मन जाए ते मैनू झूठे आग छड़ी उनू मन लई, ते गल जे मैं सच्ची करा ना ते इंज दा अकीदा ना रखी के मौला हुसैन भी ना पहचानने कौन है, मौला भी जे आखण दौड़ जाए तो इंज दा ना रखी ये कम ना करी। हुण मैं तकरीर शुरू कर लगा, मुड ते मैं ये तुहानूं दसना है उत्थे लड़ाई होई क्यों, बंदे लड़ पैंदे ना, प्यो मर जाए ते नीह रखण तों लड़ पैंदे, बल्कि एक जगह मुंडे लड़ पए, उन्हें आखिया हरे नी रंगीन पावे वाली मंजी मैं लैनी, तू मैनूं पुरानी दित्ती, इंज भी लोग लड़ पैंदे, पठे पठिया तों भी लड़ पैंदे, बन्ना खोतरन तो भी लड़ पैंदे ने, मरलियां तो ते किल्लियां तो भी लड़ पैंदे ने, हैं ना लड़ाइयां, लड़दे ने लोग, बच्चियां तो लड़ पैंदे ने, दुकानदार दुकानदार वेख के लड़दा पिया, रेहड़ी वाला रेहड़ी वेख के लड़दा पिया,
सियासतदान तो इंज लड़ते हैं जब एडे ते कोई कोचवान लड़ते होंगे सर कभी सियासत की सदके जाओ जी वो लड़ते ने पै मौलवी लड़ते ने पै पीर भी लड़ते ने पै लड़ाई लड़ाई हर पास कोई ना कोई वजह जड़िया मेरे जेन च आईया होर भी वजह ने मैं छड़िया करबला की लड़ाई च दुनिया नहीं सी याद रखिया ना उत्ते सियासी मसला सी ना सीटा की एडजस्टमेंट का ना कंपेन का रौला सी ना इतने के दस सीटा दे तां तेरे नाल पांच उधरों दे दे पंद्रह इधरों दे दे दस वड्डियां दे दे दो छोटियां दे दे ये उत्ते रौला कोई नहीं सी इकतदार दा वजारत दा सदारत दा मैनू रब की इज्जत की कसम सीते बह के आंदा पिया ये रौला कोई नहीं साजे जेड़े हुसैन नू मनदे ने वह भी यही आखणगे जेड़े नहीं मनदे यही आखणगे लड़ाई होई सी मौला हुसैन ने बैत नहीं सी कीते ऐ रौला सी यही गल यही गल एदो वध मुखालफ भी बयान नहीं कर सकेगा इको ही गल है भावे को मौला हुसैन नू मन्ने भावे ना मन्ने यही आखेगा ना बैत नहीं सी कीती क्यों जी जिदा प्यो वे वो तारीफ करे मेनू की तकलीफ है जे कुआंदा यजीद बड़ा चंगा ते मैं तेनू मुबारक मैं दुआ करना चोरी चुप के या अल्लाह जिन्हें भी यजीदी ते जिन्हें भी यजीदी मानवी औलाद ने इन्हां नू कयामत दा दिन उत्थे रखी जिथे वो काफर कुत्ता यजीद होवे सानू उत्थे रखी जिहदे मौला हुसैन तू दिने राती यजीद दी तारीफ कर सानू कोई दुख नहीं दुख उदो हुंदा जदों हुसैन ते तनकीद करना है वो चोर दा प्यो चोर मर गया ना इहो जिहियां गल्लां ते नहीं कीतियां जे मेरा दिल एक कर छड्डा कदी कदी करना सालां च कदी प्यो भी चोर ते पुत्तर भी चोर हुण कोई हजरत साहब अब्दाल मुहसे अब्दाल भी मेरे भाई जान कोई फकीर कोई मौलवी दुनियादार जी हो जे एक बंदा फौत हो जी गल्लां करना हुण उहदा प्यो सी चोर ते समझ लोक टोरी जांदे ने तजियत करना आंदा मेरा प्यो बड़ा प्यो आ मेरा प्यो बड़ा प्यो अलाद हो जाती माड़ी टायर भी नहीं सी ना रलती टायर घोड़ी नहीं टायर भी नहीं सी रलती दौड़ता लाद हो ही नहीं तो प्यो गया तुम्हें की समझ मैं क्या लाद हो ही नहीं तो गया बड़ा प्यो आ दो दो सौ लीटर खादा पुलिस अगे चोरी नहीं मंगी बड़ा प्यो आ मेरा लोग चुप कर दे चोर है चोर का पुत्र है लगा रवे दा प्यो जो होया करदा रहे दा प्यो जो होया एदा प्यो जो होया करन दियो ते नाल ही इहने चवल च मारी उहने आखिया मैं ते मेरा प्यो एक जगह लुके यानी चोरी करन गए मैं अपनी बोली च बोलना पिया लुके तो वेख्या घर आले जेड़े ना वो नफली ते नफली सलाम फेरे मुड़ नफला इंज जुड़िया नफला नू रात ढल गई कड़मे ने नफल ना छड़े जो आख्या ना कड़मे ने बेच बैठा कुछ स्याणा बंदा उन्हें आख्या धुर धुर चोर दा पुत्र चोर प्यो दी तारीफ कर तेरा प्यो है ये ते तेरा हक है तेरा प्यो है ते तेरा हक है तेरा ओए चोरा अपने प्यो दी तारीफ करना है जेड़ा नफल पढ़दी पिया उन्हूं कड़मा ने पिया ओए चोरा चोर दिया पुत्रा जेड़ा जानी शराबी अयाश बदमाश जिदे च ईमान दी रत्ती नहीं सी ओदी तारीफ पिया करना है जिन्हें नेदे ते कुरान पढ़े ओदी बेअदबी पिया करना है गल करना पे मैनू की तकलीफ है मौला हुसैन की गल ना करया जे फिर अपनी जान नालों प्यारा सन मौला हुसैन
मैं ते मीटिंग च भी कहना यार अपनी अपनी गल करो, तुहानू कौन मना करदा है। किसी का दिल न तोड़ो, जिन्हां नाल सानू अकीदत है वह बर्दाश्त नहीं। तो ये लड़ाई जड़ी सी ना, ना सियासत दी सी, ना सीटां दी सी, ना एडजस्टमेंट दी सी, ना कंपेन सी, ना जमीन दी, ना जगीर दी, ना दिरमो, ना दिनार का कोई नहीं था, तल्लुक ही कोई नहीं सी। एक कोई लड़ाई सी जदों अमीरे मदीना ते नाल मरवान लईन उन्हें इमाम हुसैन नूं बुलाया, लो मैं लड़ाई का मुढ़ दसन लगा लिया। कोई बंदा इहदा इनकार नहीं कर सकता, भावें हुसैन नूं मनदा भावें नहीं मनदा। मान मैनूं पा ने ते मरवान लईन ने हुसैन पाक उन्हें तो नहीं बुलाया, मैं अदब ना लेना। हां भाई की गल है, उन्हें आख्या यजीद का बड़ा सख्त आर्डर है, बैत करो यजीद की। आपने फरमाया की आख्या जे? वैसे दो तीन फेरे वजे मैं क्योंकि खुलासा बयान कर रहा, इस वास्ते लंबी गल नहीं करता। खुलासा यह फरमाया की आख्या जो है, बैत करनी पड़ेगी वरना सानू आर्डर है तुहानू शहीद कर दईए, कत्ल कर दईए। हुसैन मुस्कुरा पे वल्ला, हालांकि इहो जी गल सुन के गौरमेंट नूं आर्डर बंदे परेशान हुंदे ने, हुसैन परेशान नहीं होए। फरमाया तुहाडी जुरत की है, मेरा वार डिंगा करो, होना मैं शहीद है पर मदीने नहीं होना, करबला च होना है। मदीने नहीं होना, ये मैं पता मैं शहीद होना है। तुसी कौन हो? याद रखिया जे अरबी लफज ने उन्हों का खुलासा है। हजरत साहब बैठे ने, तुसी पढ़े लिखे रात बैठे हो, अजमल साहब बैठे ने मुतालिया करके शेर लिखते ने भी, अज मैं पता लग गया, तुक्का नहीं लाने। तवज्जो करो, फरमाया मुझ जैसा इस जैसे भी वो बैत करे, मुझ जैसा, मौला हुसैन पाक फरमाते हैं मुझ जैसा इस जैसे की बैत करे, तुम्हें सोचना चाहिए मैं कौन हूं। मुझ जैसा इस जैसा, एज रात पता की है पे, ये फासक फाजर जानी शराबी अयाश बदमाश दीन दी हद्दां तोड़न वाला, हर हलाल बीबियां हराम करन वाला, जानी कुत्तियां दा खिडारी ते होर शराबी ते चोरियां च बीबियां नूं लै के बहन वाला, दीन दी हद्दां तोड़न वाला, ए मैं एदी बैत करनी है। सुनो, यजीद काफर है, यजीद काफर है, जेड़ा यजीद है मैं तेरे ना बोलो, जेड़ा नहीं मेरी गल तेज कर तीन बारी कह दियो, यजीद 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 ओदार दी तेरी कब्र ते करोड़ा रहमतां। शेखुल कुरान ने फरमाया ओ काफरे जिनू काफर भी कहिए ते कुफर दी तोहीन है, ते मैं आना हुन्ना यजीद नू कुत्ता भी कहिए ते कुत्ते दी तोहीन है। मुझ जैसा इस जैसे की बात करे, ये कैसे हो सकता है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज़्ज़ा अहलल बैती वयुतहिरकुम तहीरा। आप जानते नहीं कि मेरे अल्लाह ने हर पलीती मुझसे दूर कर दी है, हर पलीती, जिथे पलीती उथे आले बैत नहीं, जिथे आले बैत ने उथे पलीती नहीं। यासीन अजमल दे एक शेर की तईद कर लगा, जिथे पलीती है उथे आले बैत नहीं, जिथे पलीती है उथे हुसैन नहीं, जिथे हुसैन है उथे पलीती नहीं, जिथे बैत नहीं सुपीती ओ पलीत है जिदे मोढ़ियां ते चढ़िया। पा पा सुनिए 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 सुनिए, मुझ जैसा
जैसे भी बात करे बोल इसको पकड़ो भाई, सर दाद न दाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। ये नहीं हो सकता कि शहीद में होना, मैनू पता है वो इत्थे नहीं होना, करबला च होना है। इत्थे रोक के एक मैं गल समझा के इत्थे शुरू कर लांगा। सुनो एक गल सुनना, इन्नी दुनिया वस्ती सी पहला सुनिया हुसैन वल क्यों आया। गोट पिंड करने वास्ते तो लोग लोटे भी कट्ठे कर लेंदे ने, वो हर दौर च हुंदे ने, अज नवे ते नहीं, उदो भी बथेरे सन। इन्ना टिल तेनू जिन्नी कबीना चाहिए बना ला, इत्थे जोर क्यों लाना पिया कि हुसैन मेरी बैत करे, जारा का पुत्र मेरी बैत करे, अली का पुत्र मेरी बैत करे। यजीद हैसी ते बेईमानी, पर उन्हूं ए पता सी हकूमतां उदों ही चलदियां ने जदों ए बैत करन। हाय हाय हाय, अबू बकर सदीक की हुकूमत सामने सी, अली बैत भी कीती, नमाज भी पढ़ी, उमरे फरूक उस्मान गनी दी हुकूमत सामने सी, बैत भी कीती, मशीर भी, कादी भी, हर मशवरा उमर वर्गे फरमांदे ने मैं हलाक हो जांदा जी अली ना हुंदा ते। अली माल हक, हक माल अली, बस या मौला उस मौला अली दी नमाजा ना हिसाब दे दे, या सदीक अकबर नु खलीफा तो बिला फसल मान ला है। आप समझ रहे मैं क्या कह गया हूं। ए हजरत साहब बैठे ने फासक गासम अगर नमाज नहीं हुंदी, ये मसला है, गासम अगर नमाज, गासम अगर नमाज, शरीयत दी हद क्रॉस करने वाला अगर नमाज जिवें भी मने, अपनी बगाना च कदे मुस्तनद आलम कोल पुछी, अजने बिस्मिल्ला फतेह अली कोल सिखी ने, ओदी गल नहीं करदा पिया। जेड़े सीजन लांदे ने पर सीजन, ओ यकीन करो मैनू बंदे आप दस्सिया जे, उन्हें कहा शाहजी गल तो सुनो की, मैं एक बंदे कोलों उहदा मैक के आउंदा सी, मैं कहा पैसे दे, आंदा बने नहीं, उन्हें कहा तेरा वादा लंघ गया, आंदा जी तेरे नाल बर्दाश्त कीते ही आ सीजन ला लैण दे। वो आंदा शाहजी मैं हैरान हो गया, ना इहदी मूंजी, ना कणक, ना मकई, ना बाजरा, ना शटाला, ना आड़त दी दुकान, ना कोई जिनसां दा कारोबार करदा, सीजन कादा? आंदा मुहर्रम शरीफ। सीजन लाने कुछ होर ने, गुलाम बन के जिक्र करना अले बैत दा कुछ होर है। अल्लाह सारी दुनिया नू अहले बैत दा गुलाम बनाया, सारी दुनिया नू। फिर लुत्फ वाली गल ओही मौलवी स्पीकर खलो के आंदा है, हुसैन गरीब की गल सुनो, तेरे मुंह फबदा गरीब दा लफ्ज़, पहला ते अपनी कर जवाब फिर मैं देवांगा। जिदा ना लेके इन्ने लख लैने नी, जिदा ना लैने ते मनन वाले इन्ने लख देंदे ने तेनू, वो जिदा ना लईए गरीबी मुक जांदी ओए आप किते। बोल छड्डो, इधर ही कोई बंदा है ते बोल छड्डे। जिदा ना लैने ते लखां रुपये फिड़े मुक तेरे मनन दा, मसीते बैठे हो मेरे सारे, मैं मौलवी की गल करना, आवाम की कदी नहीं की थी। जेड़े जेड़े भी बैठे हो मेरे वास्ते बहुत मोहतरम हो, मैं ते सैयद हाँ, जेड़ा मेरे बाबे दे नारे, मैं ते मैं हाथ चुमन नूं तैयार हाँ, सिर्फ गुस्ताखी ना करे। मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मैं तुहाडे अगे मिन्नत करना, मेरे भाई बुजुर्ग बच्चे, अगर कोई यार लोगों ने मसलक, तुहाडा मसलक तुहानू मुबारक, मैं मौलवी दी गल करना हुन्ना, आवाम ने कदी नहीं कीती है ते मनन वाले ने, अपने दिल नू पुछ, दिमाग के बोझ पा, फिर बोल के दस, हुसैन गरीब है ते बादशाह है, जिदा हाथ अकीदा ए ही है ना, जेड़ा गरीब ते फकीर आंदा है वह झूठा है, जेड़ा हुसैन नू बादशाह मनदा है, बादशाह दा बादशाह हुसैन, बादशाह दा बादशाह
ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇਹ ਹੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚੰਬੜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਟੱਬਰ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਚੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਹੈ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਗਾਸਬ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਹੱਥ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਅਲੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਡੁੱਬਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਬੈਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹਦੀਸ ਆਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨਜ਼ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਦੀਕੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਬਿਲਾ ਫਸਲ ਮੰਨ ਲੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੇ ਬੈਤ ਇਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਅਸਤੁੱਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਦੁੱਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਮਨਪਤ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣ ਮੈਂ ਅਸਤੁੱਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਦੁੱਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਲੀ ਜਾਂ ਸੱਤਰ ਬੰਦੇ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕਣ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਖੈਬਰ ਪੁੱਟੇ ਇਮਨੇ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਪਰ ਲੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਨੀ ਬੂਜੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਏ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਬੇਲੀਆ ਇਹ ਹੀ ਆ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਡਟ ਜਾਣਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਬਾਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਏ ਅਲੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਯਜ਼ੀਦ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰੇ ਮਾਵੀਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਸਨ ਨੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਆ ਸੁਣਾਉ ਆਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਬੱਲਗ ਹੁਜਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਬਾਤ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਲਾਇਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੈਂਡ ਹੀ ਹੋਇਆ ਦਵਾਲ ਬੜੇ ਦਿੰਦਾ ਪੀ ਥੱਲਾ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਦਲਾਇਲ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਦੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੱਸਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਸਨ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਸਨ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਨਾਨਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰ ਕਟਾ ਕੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਗਰੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਕੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਕਟਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾਂਤਾ ਭੇਜਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਹਸਨ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣੇ ਇਹ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਕੜ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਾ
इस वास्ते जोर दिंदा सी या हुसैन पाक नूं शहीद करो या बैत लवो। हुसैन पाक ने फरमाया सुनो ए मुझ जैसा इस बेईमान पलीत की बैत नहीं कर सकता। ये नहीं आखिया इधर ही गवर्नरी दे छड़ इनिया सीटा दे छड़ लक नहीं मुझ जैसा एहो शक्त सी नाने दा दीन रह जाए ओदी आन रह जाए ओदी शान रह जाए लुट्टी जाए पवे चोक हुसैन दी अज पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। मुझ जैसा इस पलीत की काफर बेईमान की समझ जेड़ा नमाजी होवे वो मुसलमान ही हुंदा। सौ जाओ जेड़ा नमाज पढ़दा होवे तज्जत इशराक पढ़दा होवे कलमा पढ़दा होवे ओदी दख ते कोज बड़ी आला होवे क्या वो जरूरी जरूरी है मोमन होवे? बोलो जरूरी है। जे जरूरी है ते वामिन नास मैं यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर सारे काम मोमन वाले ने। रब फरमांदा है वमा हुम बिमुमिनीन ए नमाजी ते हैं पर हैं बेईमान इन्हां दीआं शकलां ते तखां बड़ियां ने पर है बेईमान अल्लाह अल्लाह बड़ी करदे ने पर हैं बेईमान कुरान पढ़दे ने कयामत ते ईमान रखदे ने वमा हुम बिमुमिनीन पता लगा ए ईमान वालियां ते फर्ज ने ए ईमान नहीं ईमान मिलदे ओ दोवें जदों दिल मदीने वाले नूं वेख लिए। अमलां दा ना ईमान कित्थों रख लिया दो वारी आखो यज़ीद काफर हौली बोले को प्यार आ गया जो देते यज़ीदी जिंदाबाद मुर्दाबाद हाथ चुकिया करो यार हाथ चुकिया करो गवाहियां देंगे जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद से हो गया। एक और गल करया करो जो कवे कहने कोई यज़ीदियत जे जो किसी ने आखी ना उठे फिट मूह जो को आखे ना यज़ीदी के तुझी क्या करो लख दी लानत आखो यज़ीदियत नहीं इंज नहीं मुंह चढ़ा के नफरत नाल लख दी लान बाबा जी बैठो तुसी मौका दियो जिंदाबाद लख दी लानत लख दी लानत जिंदाबाद। बड़ा स्वाद आउंदा जे नारा मारे मैं तो बड़ी ठंड पैंदी जे मैं लख दी लानत धर लख दी लानत। उन्हें मैं इस जैसे की बैत नहीं कर सकता ऐ मुड मक्के शरीफ तो टुरे मदीने शरीफ तो टुरे तो मक्के आ गए तो मक्के टुरे तो करबला टुर गए इत च गल करनी है किथे गए नाल टुरे कोई ना की आंदे ने नाल हुसैन ने बुलाया किन्नू है हुसैन ते लड़ाई वास्ते गया ही नहीं क्या मदीने पाक में मोहब्बत नाल चैलेंज पिया करना लड़ाई वास्ते नहीं जाओ कोई कदों फड़ के उन्हें पुछो क्या मदीने पाक कोई मीटिंग कोई इजलास होया उत्थे बरादरी भी सी मौला अली दी बरादरी बथेरी उत्थे कि भाई आ वेला आया छुरियां कुहाड़ियां तलवारां छुरे तीर तेर कर लो इन्हें मुड़ना को नहीं ये लड़ाई होनी होनी है खुदा दी कसम ना कोई मीटिंग हुई है ना कोई इजलास होया ना बरादरी नूं दस्सिया ना मनण वाले नूं दस्सिया हुसैन ने बेहतर समझिया क्योंकि मंदल करबला सी चुप करके मक्के ते नाले मैनू ये दसो जे लड़न वास्ते टुरीए ते धीआं भी नाल खड़ी दियां ने शर्म तुझको मगर नहीं आती
ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੜ ਪਵੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨ ਸਲੂਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਆਲਮੀ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰਮ ਫਰਮਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤੁਸਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਮਰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਚੰਗਾਲ ਚੌਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਚੌਕੀ ਹੈ? ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਲੱਗਦਿਆਂ ਲੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਅਕੀਦਤ ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਹੁਸੈਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣੋ, ਖਤ ਆ ਗਏ, ਰੁਕੇ ਆ ਗਏ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਨਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਬੋਲੋ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਰੁਕੇ ਆਏ, ਖਤ ਆਏ, ਬੰਦੇ ਆਏ, ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਕੂਫੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਰਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਕੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਪਤਾ ਕੀ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਅਸਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟੋਰੇ, 40,000 ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਕੇ ਤੇ ਖਤ ਕੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਸੀਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਖਤ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਮੁਸਲਮ ਪਾਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਖੀਰ, ਸੜਕਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਪਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਪਤਾ ਆਂਦੇ ਕੀ ਸੁਣ ਪਏ, ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ ਬੈਠਾ, ਯਾ ਇਲੀ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਸਨ? ਯਾ ਇਲੀ, ਕਰਦੇ ਸਨ, ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ, ਅਹਲਨ ਸਹਲਨ ਮਰਹਬਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ, ਯਾ ਇਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਸੁਨਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਖੋ, ਯਾ ਇਲੀ, ਯਾ ਇਲੀ, ਯਾ ਇਲੀ, ਇਹ ਨਾਰੇ ਵੱਜੇ। ਹੁਣ ਆਖੋ, ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ, 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 ਮਰਹਬਾ, ਅਹਲਨ ਸਹਲਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਲੜਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰੀਦਾਂ ਲਗਾਏ ਨੇ? ਲੜਨ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਲਗਾਏ ਸਨ? ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸਨ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸਨ? ਠੱਗੇ ਹੋ? ਹੁਸੈਨ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸਨ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਏ ਸਨ? ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਖਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ਸਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਜਾਈ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵੀ। ਲੜਨ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ,
दो ही बोलो। मदीने पाक बंदे कट्ठे कर लेंगे, मक्के कर दे, बीबिया नूं घर रख दे, बच्चिया नूं घर रख दे, फिर जांदे। वो ते मुरीदां कोल गए सन, मुरीद सारे होंदे ने, फर्क बड़ा होंदा। आ कई बंदे मैनूं मिलदे ने ना, इन्हां ते कोले सारे चंगे मिलदे होणगे, वह हाथ अपना उत्ते हाथ रख के चुम लेंदे ने। अपना है इंज करते ने, कई इंज ला के थुक ला जाते हैं। मैनू पता लग जाता है मुरीद थुक लाने वाला, वो भी मुरीद थुक लाने वाले। तो कई सच्चे भी होंगे ने, गल गलत तो नहीं कर रहा, जिन्हों मर्जी जो पूछ लो गए। खत आए सन, अली दे नारे मारदे सन, हुसैन पाक दी मोहब्बत दे ते नारे मारदे ते गलियां च अली 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 या हुसैन, इंजी नारे वजदे सन। इमामे मुस्लिम जो गए ते 40,000 बंदे मुरीद हो गए, कम दे हो जाणदे, दो ही बड़े हुंदे ने ते 40,000। तू सो ही जाज नहीं समझ आई दे, बड़ा बुरा बंदा लगता जरा समझे ना देने वेखी जाए। मैनू कड़ी ऐस मुड़े नजर लगनी है, गौर ना सुनो, कोई सोहनिया लग सकती है। तवज्जो है जे, 40,000 थोड़ा नहीं हुंदा, दो तीन भी कम दे लब जान ते पीर नू तार जांदे ने, उन्हां बगैरतां च इक भी ना रहा। 40,000 बंदा मुरीद होया ते दावता ते गली गली नारे या इली या इली या इली या हुसैन इब्ने अली। एक गल उन्हें ना की होवे, नारे कूफिया ने ना मारे हो, मैं होवां कोई होवे लानतुल्लाह अल काज़िबीन। मैं जी तकीरां कदी नहीं कीतियां कि कबर च लित्तर खावां, मैं तबलीग करना गाला नहीं कटदा, हकायक बयान कर रहा। मौला मुस्लिम पाक ने छेती छेती खत लिखिया, हुसैन आ जाओ। ये तो बड़े मनन वाले ने, आशिया की अखीर हो गई है मनन वाले दी। रुका भी आ गया, उदो गवर्नर सी नमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला ने, उन्हें पूछा गया यज़ीद अल्लाह क्यों नहीं मुदाखलत की, यजीद के खिलाफ बगावत हो रही है, इमाम हुसैन की बैत हो रही है मिंदे की। उन्हें क्या गल सुना, एहो जिया गवर्नर रिया मैं हुसैन की नलैन की धूर तो मारी ला जा ठोकर मारना तेरिया नौकरियां। उन्होंने बंदा लगा बड़ा फराडिया बेईमान जिंदा सिफत इंसान दुनिया का कुत्ता, इकतदार की अवस्था आ गया, हवस आ जाए बंदा बर्बाद हो जाता है, हसद आए बर्बाद हो जाता है, तकबर आए बर्बाद हो जाता है। भैन भैन भरावान च वेख लो, कुनबे कबीले च वेख लो, इलाके च वेख लो, मुल्क च वेख लो, दुनिया से वेख लो, जो बर्बादी होंगी है ना, या हवस की वजह तो होंगी है, या हसद की वजह तो होंगी है, या तकबर की वजह तो होंगी है, लालची बन गया। हूँ फराडिया ने उन्हें आख्या, यजीद ने कहा मक्के पाक नूं जदों दुनिया हुंदी है ना, उधरों जाई ते नेरे पै जाई। उन्हें इंज कीता, वह मुरीदा फिर वेख्या मौला हुसैन नूं खत गया सी, ओह आगा ने फिर या हुसैन आहलन सहलन मरहबा या अली। वो चुप करके टुरदा रहा। गवर्नर राहुल जा के खुलासा बयान कर देने, बात लंबी हो जाएगी। उन्हें आख्या मैं इब्ने ज़ियाद हाँ, मैनू पता लगा तुसी इत्थे यजीद के खिलाफ बगावत की है। उन्हें मोटे मोटे बंदे ना बासर जड़े मोटे मोटे मैं बासर बंदे करता करता उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आख्या जड़ा इमाम मुस्लिम जूस लैके आए ना, एक कंध ते चढ़ो कोठे ते ते इन्हां नूं दस दिओ, वरना एक मिनट तो पहला तुहाडे टुकड़े थले सुट्टांगे असीं। और इन्हों दसो अपने लगदियां लींदियां बरादरी नूं पुत्रां नूं, जे तुसां
यजीद के खिलाफ गल की साड़िया लाशा बहर आ जानिया जे घर अग लग जानी जे बच्चे सड़ जाने जे कोई शह नहीं रहनी बचना उन्होंने जिन्हें यजीद लई नू मनना वो मारिया दाबा मुरीद गए हे ओ मुरीदो हे ओ मनन वाले हो तुहाडे ते लानत इंज मनिया साडे मौला हुसैन नू इंज मनिया साडे इमाम मुस्लिम नू घर घर दावतां ते घर घर नारे ते गलियां बाजारां ते शोर यह भी रवायतां चाहुंदे हजरत साहब बैठे ने 500 बंदा आप नमाज दे टाइम हो गया मसीती टुर गए आप इमाम बने रखो अल्लाह अकबर वो इंज करके खलो रहे बुजदिल सन ना कच्चे मुरीद सन ना जे किसी इब्ने ज़ियाद दे सफाई देख लिया आखांगे जनाब असां कोई नीति है कोई इतिहास में खलोते हैं ते जे इमाम मुस्लिम ने पुछिया तो असीं आखे जनाब तुहाडे ते असीं मगर सां ऐसे हाथ छड्डे ने पता लग गया पक्या मुरीदा का इंज दे मुरीद सजे हो मैं उन्होंने खूफिया की गल पे कर रहा उन्होंने मुरीदा की उन्होंने मुरीदा की गल पे कर रहा उन्होंने गल हो एंडे होया रात की तरीकी मुहम्मद इब्राहिम नाल मुरीदा के दरवाजे बंद किथे दावतां किथे रोटी दी एक बुरकी ते एक पानी का गिलास नहीं देने वाला कोई दरवाजा खोल के बिस्तर नहीं देने वाला बच्चे निके निके नाल तुसीं समझदे हो कादी शोया नूं दित्ते ला रख लै पता नहीं की होना है मुक्त सिरे के इमाम मुस्लिम शहीद कर दिता गया शहीद कर दिता गया बच्चों नूं भी शहीद कर दिता गया इमाम आली मकाम नूं रुका आया सी भी मुरीदां दा इलाका है उन्हें सफर जारी कर दिता हालांकि मनण वाले डकिया भी ऐलान उत्थे भी नहीं किया मेरे नाल तुरो खोरे लड़ाई हो पै हुसैन ते भी नहीं फरमाया ये जाहिल वालियां गल्लां कौम चो मिले च अफरा तफरी भी पानी दी झूठ बोल के जिक्रे हुसैन कर जिन्हें राती कर कौन तेन मना करता पाया मैं ते मीटिंग च भी आख्या जी डकते ने मैं बेवकूफ ने जो डकते ने जिन्हें राती जिक्रे हुसैन करो जिक्रे मौला अली करो तनु कोई नहीं डकेगा हां जे नहीं मनदे ते बिद भी ना करया जे डकींदे उदों केड़ा डकेगा अली अली करन तो केड़ा डकेगा माफा हुसैन करन तो कसीदे परो नोए परो जो तुहाडा अकीदत है मैं तो कोई मेरा ख्याल लड़ाई वाली गल ही कोई नहीं लड़ाई वाली गल हो रही वो छड के कहे जिन्हू मनना मनी जा जिन्हू नहीं मनना ना मनो और अल्लाह करे साडे मुल्क च यही फजा पैदा हो इन्नू मनदे हो मनो वो डकिया उदों जांदा जे तू ऐ गल्लां विच तनकीद या बेद भी हुंदी है शेख खैन दी उदों बेद भी उदों लड़ाई हुंदी बहरहाल हज़रात अल्लाह ताला करम फरमाए हुण इमामे मुस्लिम दे शहीद बच्चे भी आप भी टुर पए रात ही पता लग गया सी इमामे हुसैन पाक नूं कि वह मुरीद विगड़ खलोते जे उन्हें शहीद कर छड़िया जे तुहाडे भरा इमाम मुस्लिम पाक नूं ते बच्चियां नूं भी सरकार दी अखां चों आंसू ते आए मगर कदम पिछा नहीं आया उदों रुके ने जदों घोड़ा रुकिया घोड़े नूं एड़ी मारीए घोड़ा नहीं टुरदा फिर मारीए फिर नहीं टुरदा आप फरमाते ने केड़ी जगह पहुंचे हैं एक रस करता है हजूर एक कर बलाए अच्छा ला दियो खैमे यही मेरी आखिरी है जे लड़ाई का मुड हूं कोई झूठ बाले तो ओदी मर्जी सच्ची गल करे तो ओदी मर्जी मैं हर मसलक का बंदा वेख्या वो यही गल करता है जहलां का मैं ठेकेदार नहीं मुड है भावे एक मौला हुसैन मनता भावे नहीं मनता किताबा च भी यही है ते बयान भी यही की जाती है ये सच्ची गल है तो सुभान अल्लाह आखो
समझ आई जे फिर सुभान अल्लाह को और शॉर्ट कर देना, लंबी बात ना हो जाए। करबला च डेरे ने, चलो इनी गल कर देना, मजाक रात शुरू ने, खलासा यही है और टेल ला लो जो मर्जी, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। सतवीं मुहर्रम नु पानी बंद होया, इत्थे एक गल कर देना, खुदा वास्ते अगर तेरे सीने च मौला हुसैन दी मोहब्बत है ते मन भी जाई मैं सची करन लगा। पानी बंद होया, नहरे फरात ते पानी बंद होया, लोह भी चंगी डाढ़ी वगदी सी ते गर्मी उस इलाके दी अगे मशहूर है ते कुल्ले कोठे भी नहीं सन, खैमे सन, जे ठाड़ दे भी सन रोजे रखे ने ते सौण भादरे दे भी रखे ने, बच्चियां ते नहीं पता जिन्हें रखे ने। जेठ दी लोह सी, करबला दा मैदान सी, अजे भी उस इलाकियां च ऐसा नहीं चलती, स्पीड नाल लोह चलती। सदियां पिछा जा खां, एक रोजा रखे हो ना जेठ हाड़ दा, जो इफ्तारी ने वेखी दे घड़ी नहीं टुरदी पई, घड़ी नहीं टुरदी पई, ते जग जग पानी ला पी के ना ता सा लई दा। इत्थे तीन दिन हो गए ने, पानी मुक गया जेड़ा खेमिया सी, पैरे लगे ने, मैनू रब की इज्जत की कसम हुसैन पानी मंगण नहीं गया। मैनू पता किताबां च लिखिया है, कुछ बेली बयान भी कर दे रहे उन्होंने मर्जी, मैनू इन्ना पता है हुसैन बादशाह है। हुसैन उत्थे मजबूर होके नहीं बैठा, रब दी रजा मन के बैठा है। जे बड़ी तवज्जो ना गल सुननी है तो कर जा, सिर्फ धोनी लानी है तो फिर नहीं करनी। लो जी रिजवी साहब, असी सुननी हाँ, असी हजूर की हर निस्बत का एहतराम करने, सारे शहीदों को साडा सलाम, वो भावे उमरे फरूक होन, उस्माने गनी होन, मौला अली होन, हुसैन पाक होन, बदर हो, साडा सब नू सलाम। वो सुन्नी नहीं जिहड़ा बेदब है, जिहड़ा बेदब है वह सुन्नी नहीं, जिहड़ा सुन्नी वह बेदब नहीं। पर सदके जावां हुसैन तेरी शहादत, गौर ना कीता मैं, बड़ा दुख होना मैनू, सदके जावा हुसैन पाक तेरी शहादत तो। ये हजूर ने फरमाया उद खबरदार ते एक नबी एक सदीक शहीदान दो शहीद ने, हदीस है, हजूर का फरमाना को घट नहीं। अली पाक तेरी दाड़ी भी बदबख्त रंगीन करेगा, शहादत की खबर हजूर दिती है। मेरे मौला हुसैन की शहादत वो है, हजूर ने बाद शहादत फरमाई है, पहला फरिश्ता आया उनू रब ने घलिया, करबला दे शाह सवार नू करबला वास्ते रब ने पसंद कीता। हाय हाय, रब ने पसंद कीता। इस तो बाद मैं की प्यार करा जे तेनू समझ आवे या ना आवे। लिया कोई कन्नो फड़ के मौलवी बड़े प्यार नू सत हदीसा सियासता दिया ना बकावां, अपनिया बखानिया ना बकावां, ते मैं तकरीर छोड़ दिया। पहले जबरील अलैहिस्सलाम, बारिश दा फरिश्ता एक नहीं आया, रीसा खुला फरिश्तिया दसिया, सहीफे लैके आने वाले ने दसिया, जदों सहीफे लैके आंदा सी घलदा कौन सी, त्रै जबूर अंजील लैके आया सी घलदा कौन सी जी, कुरान लैके आया ते घलदा कौन सी, ये हुसैन की शहादत की खबर लैके आया ते कलण वाला कौन है। अल्लाह अरशा जानदा, जो हो गया वह भी जानदा, जो हो रहा वह भी जानदा। मजू तेरी एक गल कर दिल कीता, जिथे बैठा हो कोई चवल मार लगे ना ते वेख लिया कर, अल्लाह जानदा है। अली मुमिजा तू सुफिन दा भी आ ते जानदा भी आ, बस इन्नी काफी है। क्यामत तक जिन्हें जमने जो करना है अल्लाह यो भी सोने। बंदा बड़ा चवल होना है, ये अपने लफ्ज में बयान करना, कि बंदा बड़ा बेगैरत होना है, वो
اسلام دے لبادے چ کافر ہونا ہے، یہ حکومت بھی ہونی ہے، بندے بھی نال ہونے نے، بڑے بڑے ول بندے نے، پر تیرا بظاہر زمانہ گزر گیا ہے، ہن جن پیراں تے پار پانا ہے نا، وہ ایکو ہی فاطمہ تو زہرا دا پتر حسین مینو دسیا ہے، حسین نو چن والا اللہ ہے، حسین نو پسند کرن والا اللہ ہے، حسین نو منتبہ کرن والا تاج شہادت واسطے اللہ ہے، حضور نو تے فرمایا دس انہاں نو کہ حضور نے فرمایا کربلا شہید ہوئے گا، آو دی مٹی ہے اے شہادت پسند تے اللہ نے کیتی ہے، حضور نے تے اللہ دا بھیجیا ہویا پیغام سنایا ہے، مفتی نہیں پر فتوا بیان کر لگا، نبی دے عمل تے اعتراض بھی کفر ہے، نبی دے فرمان تے اعتراض بھی کفر ہے، تے جتھے اللہ دی مرضی بھی ہوے حضور دا فرمان بھی ہو، گل کر گیا ہوں، دلیل بھی دینی چاہیے، تاریخ چوں نہیں دین لگا، کوئی بند نہیں سنان لگا، مختصر کر کے دو بندیاں دا اختلاف ہے، کنیا بندیاں دا، تھک گیا تمہیں، اے انجھ جاد ہو گیا، دو بندیاں دا اختلاف ہے، کنیا دا، ایک یہودی ہے ایک کلمہ پڑھن والا ہے، بتھیرے بہ بہ گلاں کیتیاں، گل مکے کوئی نہ، دوواں صلاح کیتی کو ڈیرا مان لو، کسے من سے بندے سیانے کولوں فیصلہ کرا لو، یہودی آندا جی انج فیصلہ کرانا ہی نہ، میں پاویں یہودی ہاں میں ڈیرا مان لواں تواڈے نبی دا، میں مننا جو تواڈا نبی فیصلہ کرے میرے منظور ہے، سونے تیری صورت بھی سونی، تیری سیرت بھی سونی، ہے یہودی پر مندا اے دار ہو گئے، کتے جھوٹا سچا نہیں ہونا، سچا جھوٹا نہیں ہونا، سچا سچا رہنا، جھوٹا جھوٹا رہنا، ہن کلمہ پڑھدا سی وچوں تے ہل گیا، وچوں آندا چال، سرکار نے دوواں دے بیان سنے، فرمایا اس رولے چ یہودی سچا ہے تو جھوٹا ہے، ہن تسا میرے والے ویکھنا تا مطلب سمجھ آنی ہے، بیٹا پڑھیا لکھے بندہ نہیں وہ نے جڑے پڑھے نے، فیصلہ کر دیتا باہر آ گیا تو منہ ٹڑکائے، یہودی آندا ہن کی ہوا ہے، میں کسی یہودی عالم کو تو نہیں کرایا، تہاڈے نبی کو کرایا ہے، ماذا اللہ نقلے کفر کفر نہ باشد، آندا نہیں مینو اے فیصلہ منظور نہیں، او کلمہ پڑھنا ہوں تو میرے ویکو نا، انہیں کیا کی ہوئے، انہیں پھر یہی بکواس کیتا، او عربی دے لفظ نے، میں عربی اندی وی اڈی مینوں کوئی نہیں، انہاں کول سکھ دے لفظ پوچھدا رہنا، تے میں تو تہاڈے نال گل سمجھانی ہے، انہاں کیا لکھ دی لان کیا کیا، او خوش ہو کے لنگ پائی دی، منہ چڑا کے پائی دی پتر، لکھ دی لعنت، دار فٹے منہ تیرا، چگل نہ ہو گئے تیرے در در، لکھ دی لعنت، اے کلمہ پڑی آئی، کلمہ بھی پڑھنا تے مندا بھی نہیں، پورے ستے ہو کے جاگ دے ہو، کلمہ بھی پڑھنا تے نبی دا فیصلہ مندا بھی نہیں، کلمہ بھی پڑھنا تے فیصلہ مندا بھی نہیں، کلمہ بھی پڑھنا تے مندا بھی نہیں، وہ نبی فیصلہ کیتا ہوئے تو مومن روندا مومن بننوں، تیرے جے بغیرت مومن کیویں بن گئے، کلمہ بھی پڑھے تے مندا بھی نہیں، کلمہ بھی پڑھے تے مندا بھی نہیں، دور دور کہ گل میں کدی کرنا پیا، او یہودی دی کہ اس کلمہ پڑھن والے دی جڑے فیصلہ کرانے سن،
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਉਮਰੇ ਫਰੂਕ ਕੋਲ ਟੁਰ ਚੱਲੀਏ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਭੈੜੇ ਹੋਣ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਚੱਲ। ਉਮਰੇ ਫਰੂਕ ਦੀ ਬਹਾਰਗਾਹ ਚ ਗਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਦਿਲ ਜੇ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਮਰੇ ਫਰੂਕ ਦੀ ਅੱਖ ਫਿਰ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਫਿਰੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੌੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ। ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ। ਅੰਦਰ ਗਏ, ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ, ਉੱਤੋਂ ਬੜਿਆ ਬੋਦੇ ਤੋਂ ਫਿਸ਼ੂ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਉਮਰੇ ਫਰੂਕ ਨੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤਾਰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਤਜਦ ਪੜਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਪੜਨਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਨੂਰ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਦੀ, ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਮਰੇ ਵਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਮਾਦੀ ਬੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਦਾੜੀ ਸਵੈਦਰੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਚੜਿਆ, ਨੂਰ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੋਮਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ, ਰੱਬਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਏ? ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਹੀ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇਜ਼ਲ ਇਸਲਾਮ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ। ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ, ਕੱਲਿਆ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਾ ਤਕਰੀਰ ਕਿਸੋਂ ਗਏ ਹੋ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਜਿੱਤੇ ਬੜਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰਾਂ, ਮਸੀਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਦਲਾਏ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਮੁਸੀਬਤੇ ਬੈਠੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਚੁਣੇ ਤੇ ਨਬੀ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ। ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰ ਅਜੇ ਤਬਲੀਗ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਬਰ ਚ ਲਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਵੀ ਆਖਣ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁਰੇ ਵੇਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਹਦਾਇਤ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਹੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝੀ ਤੇ ਮੌਲ ਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ, ਕਹਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੀ ਸੜਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਹਬੂਬਾ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਇਹ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਗਲਤ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤੁਲ ਕਾਜ਼ਬੀਨ, ਫਲਾ ਵਰਬੀ ਕਲਾ ਯੋ ਮਯੂਨਾ ਤਾ ਯੋ ਕਿਮੂਕ, ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ, ਇਹ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ। ਮੋਮਨ
اللہ اکبر مومن ہوندا تے تیری گل مندا فلاور بھی کلا یقینونا اے مومن نہیں جن نے تیری گل نہیں مننی ہن پتہ لگا نبی دا عمل وی حق ہے نبی دا فرمان وی حق ہے جڑا نبی دا فیصلہ نہ مننے مومن مومن جڑا نبی دی گل نہ مننے مومن جڑا نبی دا فیصلہ نہ مننے او مومن فلا وربک لا یؤمنون حتی یقیموک مسلمانوں کسے دی شہادت دی گواہ برادری ہے کسے دی شہادت دی گواہ کنبہ تے قبیلہ ہے کسے دی شہادت دی گواہ ایک سیاسی فرقہ ہے کسے دی شہادت دی گواہی دین والے روزی بڑھو کسی دی گواہی دین والا کنبہ قبیلہ برادری تڑا مذہبی فرقے سیاسی فرقے تے جی دی گواہی حضور دین حسین شہید ہوئے گا علی شہید ہوئے گا اور بھی ان میں نا چاہ لین لگا عمر بھی شہید ہوئے گا عثمان بھی شہید ہوئے گا جڑا حضرت فاروق اعظم نو حق تے نہ مننے ابو لولو نو حق تے مننے اودی مانوی اولاد نو مننے ابو لولو باطل ہے حضرت عمر فاروق حق کے نہ منن والا فلاور بکلا یومنونا کنانا تے اودی پارٹی باطل ہے عثمان حق کے کیونکہ حضور نے فرمایا ہے فلاور بکلا یومنونا جڑا ابن ملجم دی مانوی اولاد ہے او باطل ہے او مومن نہیں علی حق کے علی حق کے جڑا علی نو حق نہ منے فلاور بکلا یومنونا جڑا حسین حق دے نہ منے فلا وربی کل ایمان بچانے ہی نہ انہاں سارے دا غلام بن گیا میں اگے بھی یوم علی تے آیا تے شیر پڑھیا تے ہن ہی پڑھن لگا میں بڑا پڑھنا مینوں بڑا پسند ہے جدا مرشد علی لجپال نہیں جدا مرشد ودی نو کوئی ڈر نہیں بولو مولا نہ عبادت ہے جدا مرشد علی لجپال نہیں او جنت دا حقدار نہیں جدا مرشد علی لجپال نہیں او جنت دا حقدار نہیں جڑا چوں یاراں دا یار نہیں مولا علی دا او پیار نہیں لاؤ نارا پانچ بری اٹھ کے نعرہ حیدری مارن والا ہے کوئی تہاڈے چوں مہربانی ایک دعا تے میرے نال کرو یا اللہ پوری دنیا دے مسلمان اہل بیت دے غلام بن جان جڑا اہل بیت سچا غلامی زندگی بسر کرنا چاہندا ہے ہاتھ چک کے میں ہاتھ چک تو چک یا اللہ پوری امت نو اہل بیت دی غلامی چ کٹھیاں کر دے یا اللہ جڑا اہل بیت دا غلام نہ ہوئے ساڈا تے عقیدہ اودے چ مو دے چ ایمان ہے ہی نہیں انہاں دی محبت فرض ہے مولا پنجر پاک دی یا اللہ سارے انہاں دے غلام بن جان پر اللہ دی قسم باوجود مصیبتے بیٹھا کوئی الزام کوئی گال کوئی دپڑ میں زندگی چ نہیں کیتی کافر مشرک بھی نہیں آندا میں جدوں گل کرنا مولوی نہ کرنا عوام نہ کردے ہی نہیں سوچو سمجھو اپنے علماء نو پوچھو جے میں گل غلط کراں تے میری نہ منیا جے لعنت پا چھڑیا جے میرے تے جے سچی ہووے نا ایویں نہ لکھن روپیے دے جا مرنا وی ہے اساں ایتھے استقبال کراواں پیسے لواں تے قبر چ لتر کھاواں اے واز میرے کول نہیں ہوندی تے توں ہی مڑ جا اینی کو تھائیں
मैं दावा किया मसीह ते बह के दावा ते दुआ भी कीती है। दुआ ए वे या अल्लाह सारी दुनिया नु मौला पंज तन पाक दा गुलाम बना दे। जेड़ा उन्हां दा गुलाम नहीं ओह मोमन है। नाल दावा किया अहले सुन्नत तो अलावा ऐस तक अज दे दिन तक मुबी अहले बैत और कोई नहीं ना नहीं। कोई लम्मी चौड़ी दलील नहीं, टाइम लगेगा। करबला च मौला अली दे किन्ने पुत्र शहीद होए ने बोलो। हुण ते उन्हां दसां भी दस भी दित्ता किन्ने पुत्र जी? पंज। मौला हुसैन एक, मौला गाजी अब्बास लमदार दो, अब्बास लमदार दा सक्का भरा उम्मल मुनीर दा पुत्र, मां प्यो सक्का, अब्बास दा भरा जिदा नाम उस्मान। गाजी तेरिया वफावां नू सलाम। ते गाजी दा भरा उत्थ भज आया सी। पांच पुत्र ने, अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, गाजी अब्बास भी है, ते मौला। हुण दस सुन्नी मनदा के तू मनना? करबला दे शहीद ने, मौला अली दे पुत्र ने, मौला हसन दे घर ना, एम अहले बैत दे औलादां दे ना पढ़ ला, सारे ना उत्थे भी है नहीं। असी मौला अली दे पुत्रां नू गिण के नहीं मन्निया, असी मौला अली दे दुश्मन नू काफर समझने आ। जिदे सीने च मौला दी मोहब्बत नहीं, ओदे च ईमान है ही नहीं, ओदे ही मुनाफक होण दी दलील है कि ओ मौला अली दा बुगत रखदा है। साडा ते अकीदा है। सिर ते कुरान रखो, मौली साहब नू पुछो अली दे किन्ने पुत्र शहीद होए ने करबला च। गाजी दी वफा नू सलाम कहना मैं भी करना। वो दूजा गाजी दा भरा उस्मान नस आया सी, उन्हें भी उत्थे जान दिती है जिथे गाजी अब्बास ने दिती है। दस मनन वाला कौन है? असी एम एल ए बैत दे नौकर हां। जेडे एम एल ए बैत नू नहीं मनदा उहदे च ईमान नहीं। पर तू मौला हसन तो बाद मौला हुसैन ते इमाम जैनुल आबेदीन ते इमाम बाकर ते इमाम जाबर सादक सारे हुसैनी ने। सुन्नी मौला हसन नू इमाम मनदा है, उन्हां दी औलाद नू भी इमाम मनदा है। असी सिर्फ हुसैनिया नू इमाम नहीं मनदे, असी हसनिया नू भी मनने आ। मौला हसन दी औलाद नू इमाम मनने आ, मौला हुसैन दी औलाद नू इमाम मनने आ, अली दे 18 पुत्रां दे गुलाम आ, 18 पुत्रां दे गुलाम आ। एक फर्क होर भी है, तू कईया नू मनना कईया नू छड्डना है। मैं पहला इमाम उहनू मनना जिन्नू जिंदगी दे अंदर जिदी अगर मौला अली भी नमाज पढ़ी है कि हजूर ने तीन मरतबा फरमाया है। अज मस्जिद नबी दा इमाम किन्ने बनना है? फरमाया अबू बकर सिद्दीक ने बनना है। आई पहला इमाम ते आई फतावा रिजविया दा नालवा। असी ते मन्ने तू नहीं मनना, उत्थे पढ़ ते सही कियामत तक ऐसे रहने ने जिन्हां दा पहला जेड़ा है वह अबू बकर सिद्दीक है। मुस्लिम दी हदीस भी आ गई। हुण टाइम तो घबराना पिया, रिजी साहब खान का तकरीर करवा के नाराज हो गए सन। घट हुण भी नहीं करदा पिया मैं, मगर हुण क्लोज कर देना। इन्हां गल्लां मैं दावत फिक्र देने वास्ते कीतियां ने, गालां नहीं कढ़ियां तुहानूं। मौला अली दी इज्जत दा कसमा जे अपने मौलवी नूं पुछिया जे, तुहानूं खूने हुसैन दा वास्ता जे मौलवी ने पुछो फिदा हुसैन शाया गल गलत नहीं कर गया? ते गालां मैं अपनी जात वास्ते कदम नहीं लड़िया, क्योंकि मौलवी हुंदे इक सैयद नहीं बनिया, मैं अली दा पुत्तर हां। पता करो मैं गल्लां गलत नहीं करदा पिया? ये करबला च अब्बास लमदार दा भरा उस्मान है कि नहीं? तू कहना है मेनू भरा दे, कोई मामला है ना? पांगने वाह जी गल सुने, तेरा मेरा तलक ते है, हुण मैं तेरे पिछे भरा ते नहीं छड्डना। गाजी ने तेरे पिछे भरा छड्ड देना है?
جی مولا علی تے غازی نو راضی کرنا ہی ابو بکر عمر عثمان دا غلام بن جاوے وہ بھی علی سی انہیں نا ہی ہے جا رکھ چھڑے نے قیامت تک پتہ لگے منن والا کون ہے کئی ساڈے سنی بچے بھی بزرگ بھی झूले लाल की ना है तुसी क्यों ने घर च ना रखते झूले लाल रखे अगर पुत्र का ना झूले लाल पसंद कर दे लाल रंग का पंगूड़ा कि उत्थे पंगूड़े लगे सन हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी फरमाते सन रहमतुल्ला अलैह अगर झूले झूलो शवा मिल जाएगी लाल धागे बने ने जी सेवन शरीफ तो लैके आए हैं जाहिला उत्थे ते नीरे धागे नहीं विकते चूड़िया भी विकदिया ने गानिया भी विकदिया ने सारा बीबिया आला खुतरे आला देवर उत्थे लभ जांदे पा लिया कर सेवन शरीफ है ना धागे ही पसंद है तेन वेख वेखी अदाकार ड्रामे च वे वेख के इतने धागे बनते हो सैयद मुहम्मद उस्मान बंदी मरवंदी रहमतुल्ला अलैह बाप सैयद कबीर अदीन मरवंदी रहमतुल्ला अलैह हाफत ते कारी ते बाहुलक ज़किया मुल्तानी रहमतुल्ला अलैह दे मदरसे का शेखुल हदीस हजारा उलमा का उस्ताद ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा कबला फजल मन वाला कब्जा करने नाल धमाला छुरा ते झूले लाल अक्षड़ आई झूले लाल नहीं और सैयद मोहम्मद उस्मान जो पूछो जाते मैं गल गलत ना पिया दसो गाजी का भरा उस्मान है कि नहीं अली का पुत्र अबू बकर उमर है कि नहीं वो करबला चो भज आए ने सिर्फ उन्होंने कसूर है उन्होंने नाम उस्मान है तेरे नजदीक अल्लाह हदायत ता फरमाए तो करबला च مذاکرات شروع نے گل اتھے ہی ہے میں بیعت نہیں کرنی جو دل جے کر لو پنجابی جانے ٹیلے لالو ہے کتے ہو ہاں کتے ہو مریدو کوفے والے دی گل پہ کرنا کوفے والے ٹیلے لالو پانی بند ہویا مینوں دس چھڈو یار خواجہ ہند الولی عطائے رسول अपना लोटा खलन गल फिर लोटिया ते आ जाती है वह भाई खाजा अज मेरी दा लोटा है किसी पार्टी दा लोटा नहीं चल पानी लैके आ करामत है वे पूरे तलाई सुख गए बलफुजात आला हजरत जुनैद बगदादी बेड़ी आले ना पाया मुसल्ला पाक नाल बंदा पा लिया बेड़ी पिछा मुसल्ला हैगा जी नौशा कहने शक्कर दाता ली अजमेरी सतरज बाबा फरीद इशारा किया पर के दरबार वाल पानी नहीं आया खाजा साजगान खाजा अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह कोटल भी आप नहीं गए मोढ़े तो कपड़ा ला के दिता आई की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज किया लोह करम तेरे हैं तो ये ते बेड़ी का फट्टा भांडन के अंदर पानी नहीं आंदा ये हुसैन दिया गुलामा दे में ना ले ने ये जेड़े कंडिया ते बैठे ने खुद बोल के दस फिर हुसैन का मकाम की होएगा हैं? पहले मकामे हुसैन उसे समझो एक शेर पढ़ा सलाम दाते फिर के आज दी रात दा मैं जिक्र करना पहला ये तो समझ कौन है जिनका झूला फरिश्ते झूलाते रहे लोरिया दे के नूरी सुलाते रहे जिसको कांदों पे आता बिठाते रहे जिसने हक करबला का अदा कर दिया जिसने नाना का वादा वफा कर दिया घर का घर ही सुपुर्दे खुदा कर दिया पांच वरी हाथ चोक ने उसे नहीं दे पाड़े उस उसे
سلام اس حسین حسین بادشاہ ہے مجبور نے غریب نہیں رب دی رضا من کے بیٹھا ہے تے کربلا واسطے رب نے آپ پسند کیتا ہے حسین نو جیدے مگر دنیا دار وزیر ہوئے ہو نہیں ڈولدا تے جیدے مگر اللہ کل شاہین قدیر ہوئے یا میں نے کہو حدیثہ نہیں توجہ کرنا جو کچھ بھی ہوئے میں تینوں پانی کی گل سنا ہی دینا ایک جن آیا جی کا نام زعفر زین کر دیا حسین میں تیرے نانے کا غلام ہاں اللہ دی توحید تے ایمان رکھن والا حضور دی ختم نبوت تے رسالت تے ایمان رکھن والا اس بستی نو مولا علی نے کلمہ پڑھایا سی تہاڈے مرید تے نوکر فرمایا آیا کدھر آندے میں بستی دا اپنی دا چیئرمین وی ہاں سردار سی نا آپ نے فرمایا میں پوچھنا کی لینا ہے سنو مقام حسین کو پہلے جدی گل کر دی انہوں سمجھو تے صحیح تینوں کی پتا مقام حسین کی تو اپنی ہوش نہیں 80% لینڈ ہوئے جنہوں اپنی ہوش نہیں انہیں کی پتا مقام حسین کی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت تھا فرمایا یہ بھی بات میں تبلیغ کرنا پیا انہیں آیا کی لینا ہے جی یہ پوچھنے والی کی گل ہے تھوڑے مرید کے نوکر انہیں بئیمانہ نے ہتھیار کٹے کر لے ہزاراں فوجاں کٹھا کر لیا نے انہوں کے ارادے ٹھیک نہیں سیدہ دیا ایک اشارہ کر انج ٹکڑے کران گے انہوں پہچانا والا کوئی نہ رہے گا انہوں کے گھر والیاں مائیاں بچیاں تیاں بھن برا رون گے فیصلہ نہیں کر سکن گے اپنی لاش کا ٹکڑا لے کے چلے ہاں یہ بگانا لے کے چلے ہاں این گل کرن دی دیر حسین جلال چا گئے چپ کر جا ایک لفظ بھی اگے نہ بولی میں دین دیاں دن توڑن نہیں آیا توڑنے والے دا مقابلہ کر کے نانے دے دین دے چھتے لان آیا وہاں میں تینوں یہ اجازت کیویں دے سکنا پیروں سے ڈگ پیا حسین ایک جملہ سن لو انہیں کی کیا کہ مولا حسین کی سنیا میں کولوں نہیں جوڑتا پیا حسین میں تے جو بھی عرض کی تھی محبت کی تھی غلام آتے نوکر نے فرمایا بیٹھ جا نبی دے موڈیاں تے کھیڈن والا شریعت دے خلاف کوئی محبت قبول نہیں کرتا جیڑی قرآن و حدیث دے خلاف محبت ہے حسین وہ کدی قبول نہیں کرتا آپ نے فرمایا محبت نہیں ہوندی کمڑیا گمراہی ہوندی ہے محبت وہ ہوندی ہے جیڑی قرآن و سنت دے مطابق سمجھ رہے ہو کہ سوچ رہے ہو چلا جا ہاتھ چھوڑ کے کھلو گیا سیدادیا مینو معاف کر دے میں کو غلطی ہو گئی سید سی معاف کر دیتا ہر جو کہ اندے حضور ایک عرض کرن دی اجازت ہے پر میں دس کی جان لے ان پانی بن دے لوہے کیل تھوڑے غلام بھی پیاسے اہل بیت پاک دے نفوذ قدسی پیاسے تھوڑیاں سواریاں پیاسیاں نے اج تیسرا دن ہے تینوں گٹ پانی کا نہیں ملیا فرمایا تو کہنا کی چاہنا ہے عرض کر دے میں جنہاں نوں حکم کرنا یہ ٹوئے کٹ دے لمے لمے چوڑے چوڑے میں آپ نہرے فرات تے جانا وا موڈے دی ڈالا دینا وا موڈے دی ڈالا نا وا پانی دا رخ ادھر ہو جائے گا یہ پانی والا مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ پانی والی مصیبت ختم ہو جائے گی میرے حسین مسکرائے میرے حسین مسکرائے فرمایا کملیا اجے بھی جنہ والیاں گل کیتی آ اپنی طاقتاں دسنے پیا پہلا مینوں پہچان تیرے سامنے کون کھلوتا ہوا ہے تو موڈے دی طاقت لائیں تے نہرے فرات کا پانی آتا ہے حسین اشارہ کرے تے ہوے کوئی سردا بھی آ سکتا ہے جیلا نہیں ولیاں دا کیدا سنو میاں صاحب ولی نے طاقت بڑو میرے نال طاقت ہوندیاں زور طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا او بولو طاقت ہوندیاں زور
बैठे मन रजाई वल नबलुवन्नकुम बिशय मिनल खौफे वल जुए वनक्सि मिनल अम्वाले वल अन्फुसि वस्समरात वबशरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ताकत हुंदियां जो शाहकोट वाले हाथ चुक के बोलना जे हुसैन कुरान नु छड़ दिता सी मादल्ला के कुरान दे नाल ही रिया उच्ची बोलो कुरान नाल नबाई है के नहीं दीन नाल नबाई है के नहीं के जे कुरान मेंज मेंज नबाई है नेदे तभी पढ़ी है जे कुरान पढ़ता रिया ते सुन्नी सच्चा है जो तू आने फिर कुरान नहीं मलींदा दोवें पासे नहीं जेड़ा दिल कर रही ताकत हुंदियां की समझ दियो जो बयान कर दो किताबां को नहीं लिखिया लिखिया है पर झूठ लिखिया झूठा लिखिया लोगों ने तरीख ही है ना मैं कड़ा कुरान की आयत इनकार करना बेलियो मशवरा जे मेरा मन जो जिथे अजमत आले बैत है ना वो रवायत सच्ची है जिथे तो इन्हें आले बैत है वो झूठी है बस ऐसी गल कर लो पहले हुसैन नु समझो अहले बैत नु समझो इस तो अगे मैं कुछ नहीं कहना फिर आज दी रात मैं बयान करनी है पर शायद इदों वध मैं पूरी जिंदगी कह भी ना सका जो मैं कहन लगा ना शायद पूरी जिंदगी कह भी ना सका इल्लल मवद्दा फिल कुरबा दा हुक्म फरमान वाले रब्बा तू ला कुल्ले शैन कदीर यजीदी कुतियां पानी नहीं दिता आले मोहम्मद ते दुरूद ना पढ़िए तू नमाज कबूल नहीं करदा मोहब्बत इन्हां दी फर्ज कीती आ यजीदी बेईमाना पानी नहीं दिता ते तू दे छड़ दो मूसा अलैहि सलाम ने पानी मंगया तू 12 चश्मे दिते अयूब अलैहि सलाम ने डी बारी चश्मा निकलाया तेरी प्यारी बंदी ने सवाल किया मरियम अलैहि सलाम ने तू खाण भी दिता ते पीण भी दिता जिन्ना चेर दरूद पढ़वाना है जिन्हां दी मुहब्बत फर्ज कीती आ इन्हां नूं पानी क्यों नहीं मिलिया फरमाया उन्हें मंगया मैं दे छड़िया है ना मंगी कोई उन्हें मंगया मैं दे छड़िया मैं इस तो अगे जाना चाहना मैं इस तो अगे जाना चाहना जिहड़े मैं कहना शायद इस तो बाद मैं कुछ ना बयान कर सका इस्माइल अलैहि सलाम ने पत्थर ते अड्डी रगड़ी आबे जमदम शरीफ अल्लाह तुहाडे नसीबां च करे बार बार नाजक नाजक अल्लाह दे नबी दियां अड्डियां पत्थर चो पानी निकल आया मुतालिया ते हजरत जी सवाल ते दिन च आ जांदे ने ख्याल आया वाह मौला छोटा जिहा उमर पाक तेरा नबी अड्डी रगड़े ते एडे सख्त पत्थर च पानी निकल आया मौला करबला च ते पत्थर कोई नहीं सी उत्थे त्रेत सी उस ते मिट्टी सी बाजू कलम होए चश्मा को नहीं निकलिया नन्ने नन्ने उन्हें मोहम्मद दी छातियां चो नेदे दुसर निकले पानी को नहीं मिलिया चश्मा को नहीं निकलिया अली अकबर आके जो तो सत्थर लाए ते तोड़ जहन्नमी पुचा जहन्नम च पुचाए ना अली अकबर ने धूड़ा घोड़ियां दी थुमियां गला होर खुश्क होया अगर की दी बाबा गला खुश जबान खुश हुसैन पाक ने अपनी जबान का फैल दिता उदो चश्मा ना निकलिया अली दे पुत्र प्यासे जबा हो गए चश्मा ना चलिया हजूर दे मोटियां ते खेडन वाला चश्मा नहीं चलिया ये 6 महीने का सैयद तड़पदा पिया चश्मा नहीं निकलिया कुरान पढ़िया ते जवाब मिलिया चुप कर तेन पता ही नहीं मेरा हुसैन सबरो रजा दे किस दर्जे ते खलोता तेनू पता ही नहीं सबरो रजा दे किस दर्जे ते खलोता है पूरी गल पढ़ जदों इस्माइल अलैहि सलाम ने अड्डियां मारियां
मां सवा तो दौड़िए ते मरवा, मरवा तो दौड़िए ते सवा। है मेरे पुत्र तपदे पिया पानी मिल जाए, सवा तो मरवा, मरवा तो सवा। सात चक्कर लाए ने बीबी हाजरा अलैहि सलाम ने, इधर ओनो मुहम्मद निकले ने, नेजे वजे ने, सारा दी थी बाहर नहीं आई। जवान भतीजिया के घोड़े दौड़ के टुकरे हो गए, बीबी बार नहीं आई। खुदा दी कसम किसी बीबी हाथ नहीं जे जोड़े, जला दो उन किताबों को जिनमें सैयद साधों की तोहीन है, जला दो। पुत्र शहीद हो ने, बीबी बार नहीं आई। शेर वर्गे भरा दिया लाशां डिग पईआं ने, बीबी बार नहीं आई। अकबर कासम सारे भतीजे पांच गए ने, जाओ सैयदजादी किसे बच्ची भी खैमे चो बार कदम नहीं कढ़िया, नहीं कढ़िया, नहीं कढ़िया। मैं ते ये तकरीर ना कभी सुनिया ते ना मेरे को मोबाइल जिते सुनदा रहा, मैं ते 1500 के सुन ली ना कर ली ना, अगे लेंस पुआए ने उड़े नूं इंदा रहा। मैं तुहानू एक गल मिंत करके कहांगा, इंज दीआं गल्लां ते किसे आम धी दीआं वी कीतीआं जांदीआं, तू ज़ारा दीआं धीआं दीआं कर किवें लैना ते सुन किवें लैना। मैनूं मेरे बेटे किले बखाया अबू ते नाले रोए पिया, सैयद सी ना अबू जी वेखो की आंदे ने पै, ये सैयदजादियां नूं की आंदे ने पै, ओह अजे नक्शे पे बनाए जिहड़ी मेरी गैरत गवारा नहीं करदी। मैं किसे सैयदजादी दा इंज नक्शा बनावां ते इंज नहीं, मैं तुहाडी मिहनत करना ते सैयद होके इन्ना सोच लिया करो कि हैण कौन। वो कोई गैरतमंद बंदा ते कहे धी गल बह जा यार, धियां दीआं गल्लां इंज नहीं करी दीआं। असीं कहिंदे आ ये धियां ओहदीआं नहीं जिहदे सिर दा वाल चन्न सूरज नहीं वेख्या, ये ओहदीआं धियां ते पोतियां नहीं जिथे मलकल मौत आंदा मैं अराबी हाँ, ये ओह घर दीआं धियां नहीं, ये उस घर दीआं धियां नहीं जिहदे मोढे नाल करामन कातबीन कोई नहीं। करामन कातबीन भी कोई नहीं ज़हरा पाक दे मोढ़िआं नाल, ये ओहदीआं धियां नहीं जिहदी रूह फरिश्ते कबज नहीं कीती, रब ने आप कीती है, रब ने आप कीती है। अग लाओ ना किताबां नूं जिन्हां सैयदजादियां दी तोहीन है। ओ बयान कर ए जिथे शाना इस्तां दा जिक्र है, और हकीकत भी यही है। ओहदा जवाब मैं देण लगा तां आख्या मैं सैयदा मेरी ते गैरत दी गवारा नहीं करदी, बीबी पाकां दा जे नां लवां। एक रवायत सुना देना पीटी पक्की मुस्तरद किताबां चों, बेशुमार किताबां चों। जदों मेरे इमामे अली मकाम शहीद हो गए, इन्ना बेईमाना ने नारे मारे फतह दे, नचण कुदण लग पए। अगे भी गल मूह चाई है मैं नहीं कीती, हुण फिर आ गई है मैं कर देना वा। गुरु नानक दे मनण वालियां दी औलाद नूं कत्ल नहीं कीता, मिर्ज़े कज़ाब दी औलाद नूं मनण वाले अजे उहदे नस्ल नूं मनदे ने पए। ईसाइयां जिते ईसा अलैहि सलाम दी सवारी दा कदम लगा उत्थे करोड़ां रुपये लांदे ने पए। यहूदियां विचों कोई वो नस्ल पुराणी चो सदियां बाद मिले वो ना लवे ते लोक एहतराम करदे ने, किन्ना नूं मोमन आना पिया जिन्हां कलमा पढ़ के सैयदां नूं भुखियां ते प्यासियां शहीद कर दित्ता। शर्म आउंदी है गल्लां करन लग्गिआं ते उहनां नूं फिर क्यों नहीं आई, सुन लगे कोई शर्म कर लिया करो। ये केड़ियां धीआं ने, जवाब देण लगा ऐ जे मर पढ़ लगा धीआं वालीआं जरूर पढ़नीआं ने, शाना सुन उहनां दीआं ते शहादतां सुन, फज़ाइल सुन, जुरत सुन, सबर सुन, मजलूमियत बयान कर, गरीब ए गरीब ए नहीं सुनना तू। सैयदजादियां दा जिक्र मैं उह जज़बान ते लियाउणा चाहुंदा, एक रवायत बयान कर देना। उन्हें सदा का ऊठ फड़िया उठ, जिवें कट्टा बच्चा बकरा जबा करदे हो, गोश्त बनांदे हो, पका के खांदे हो, उन्हें सदा का ऊठ फड़ लिया, किताबां मौजूद है, उन्हें जबा किया,
ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ, ਬੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਕਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਕੀ, ਦਸਤਰਖਾਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੜਵਾ ਖੂਨ ਏ, ਕੜਵਾ ਖੂਨ ਏ ਪੂਰੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਊਠ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਕੋਤਵਾਲਿਓ ਸਰਵੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੈਰਤ ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਹਿਣ, ਇਸ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਊਠ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਤੇ ਊਟ ਦੀ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਝੂਠ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ ਮੈਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਕਿਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਹਦਾਇਤ ਆ ਫਰਮਾਇਆ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਆ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਕਾਮੇ ਵਾਲੇ ਬੈਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੁਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਹੈਣ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਣ ਨਾਰਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਨੀ, ਅੱਲਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿਣਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਯਾ ਸੁਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਯਾ ਇਲੀ ਕਹਿਣਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਖੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਨ ਅਸਤੂ ਹੁਸੈਨ, ਦੀਨ ਪਨਾਹ ਅਸਤੂ ਹੁਸੈਨ, ਇੰਜ ਦੀਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਯਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਘਰ ਘਰ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸਰ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਗਰਬ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਨੇ ਸਲਾਮ ਨੇ ਰੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਲੇ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਬਲੇ ਅਲ ਮੂਲ ਤੱਕ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਹੱਕ ਕੀ ਏ, ਸੱਚ ਕੀ ਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੌਣ ਨੇ, ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਤਾਂ ਨੇ ਖੈਮੇ ਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਯਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਏ, ਖੈਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਏ, ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਏ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਕੇ ਖੈਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਇਓ, ਅਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਡੇ ਰੇ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨੱਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਸੂ ਆ ਗਏ। ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਓਏ ਇਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮਾਲ ਤੁਸਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ, ਊਠ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਸ ਜਾਣਾ, ਚੰਗਾ 2 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨੱਸ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਰਾ ਨੱਸੇ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਭੈਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਮੋ ਗਿਰਮੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਇਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਰਾ ਭਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੋ ਪੈਣਾ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਰੋ ਪੈਣਾ, ਖਾਣਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਰੋ ਪੈਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋ ਪੈਣਾ, ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਰੋ ਪੈਣਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ, ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ।
कदी रोन आ जाए ना भावे एक आंसू आए रो लिया कर नबी की सुन्नत ही है। हुसैन की मुहब्बत च रोना नबी का अमल है, इमाम अलंबिया का अमल है। इमाम जैनुल आबिदीन सारी जिंदगी रोए, पता किसे पूछा इमाम तुसी रोंदे रहिंदे हो? आपने फरमाया यकूब अलैहिस्सलाम किन्ने कु रोए सन, बड़ा रोए सन। इमाम जैनुल आबिदीन के फरमान च मिलता है किताबा च, आपने फरमाया उन्हां दा ते यूसुफ मेला आया सी, मैं ते सारे करबला छड के आया हूं, तुहानू की पता मैं किहड़े मंदिर वेखे ने। इमाम जैनुल आबिदीन फरमांदे ने करबला दे अंदर कदी खेमियां दे चक्कर लाना, कदी लाशां वल जाना वा, कदी नेड़े आना कुरान पढ़ना, कदी नाने नू याद करना, कदी बाबे नू याद करना पिया। रात बीतती जांदी है, मैं खेमे दे करीब आया ते मैनू अपनी भैन दे रोण दी आवाज आई, सईदा सकीना दे रोण दी आवाज आई, चंद साल उम्र पा के रोण दी आवाज आई। मैं खेमे दे अंदर गया, अगो फिजा खलोती है, सईदा दिया मैं तेनू बुलाण आई सा, सकीना दा कोई हाल नहीं हूं, बीबी दा कोई हाल नहीं, रोंदियां ने दौड़ दिया ने, हाय मेनू बाप को ले जाओ, हुण ते बार यजीदी कोई नहीं, मेनू वीरां कोल ले जाओ, मेनू ज़ियारतां करा दियो। हज़रत इमाम जैनुल आबिदीन जदों खेमे दे अंदर गए ने, बीबी दौड़ के आई, वीर जमीन ते बह गया, ओए ननियां ननियां बावां वीर दे गले च आ गईयां ने। लवर ते है कोने, कोई वीर वाला कोई पैणा वाला ही समझेगा, कोई तिया वाला ही समझेगा ये की होया करबला च। ननिया ननिया बावां वीर दे गले च आ गईयां, आप जमीने करबला ते खेमे च बैठे, मेरी बहन हौसला कर, मिसकीना की होई क्यों तड़पन लग पई है, ओए चेहरा मलदिया ने मोडे दे, घुट के ननिया गले च बावा पाईया, वीरा पता नहीं दिन चढ़े ते की होना है, मैनू अपने बाप दा चेहरा विखा दे, मैनू अपने वीरां दी ज़ियारत करा दे, मैनू चाचियां दी ज़ियारत करा दे। हर कारे मामले कुदरत दा निज़ाम है, तुसां प्यो दी मैयत भी कर वेखी होनी है, भरा दी भी मैयत वेखी होनी है, पता नहीं जे धीआं की करदियां ने। ओए मुंडे आ कबर दा ध्यान, ओए इंतजामात मेहमाना दा इंतजाम, कदी धीआं ते पैणा मंदी छड के नहीं गईयां। फिर मम्मी ते तुसी वेखिया है जिन्हां दे मापे मर जान, ओ पैणा आके मंदी दे पावे ते सिर रख दिया ने, वे जीवे वे अब्बा जी टुर गए तू कभी महसूस नहीं होन दित्ती, वे अज यतीमी दा एहसास होया है। बीबिया नू आंदी है मेरा वीर, मेरे सिर ते हथ रखण वाला, मेरे नाल प्यार करन वाला, किते तियां चीखा मार दिया ने, मंजी नी चुकन देनिया, इन्हां दे ते लगदे लीदे न कोल ने, मासियां पुपियां चाचे ताए कजन मौजूद हुंदे ने। हुण करबला दियां सैयदादियां दी गल सुन लो, वे वीरा मेनू लै जा खेमे चुपार, धी कदी वेख्या जे लेट आईए ना तो परेशान हुंदी है, ये हर घर च मामला है, हर घर च मामला है। पुत्र भी बड़े चंगे ला सब ते चंगे होण, बुखार भी चढ़े तियां रोटी नहीं खांदियां, लेट आईए क्यों लेट आउंदे हो? अजकल लंबी तकरीर करना तो घर जाना तो धीआं दी अबू मैं नहीं बोल, मैं फोन करने तुहाडा भी ना लिया, रोज दवाई खांदे हो लंबी तकरीर करदे हो, अबू ये पता जे मैं तुहाडे तो बगैर बच नहीं सकदी, फिर मैं तलाशे देना है मेरी नवासी पर तो धीआं दा मकाम है। इधर हुसैन दी धी वल वेखो तड़पी है, बीबी पाक ने फरमाया वे ज़ैनुल आबिदीन दीप पो, फरमाया वे दूर दूर वेख के आ कोई यजीदी कुत्ता तो नहीं,
इमाम जनौला बेदील दूर दूर चक्कर ला के आए ने, चंद एक आवाजा आईया ने, दुनिया के कुत्ते दात पे देंदे ने, तू तीर बड़ा मारे तेन आके असी अली असगर ने गले च मारी, गले च ही मारी तेन आके असी तू तलवार ना चलानोगा दी पानी ले जाना दी, इन्हां प्यासियां ने 70 ला छड़े ने। छोटियां छोटियां आवाजा इमाम जनौला आबेदीन आ गए वापस, उफो कोई नहीं हुण निकलियां नहीं बाहर। फरमाया नहीं मारो चादरां दियां बुकलां। रात पई तरीकी चाई, जदों सो गई कुल खुदाई। किताबा पढ़ के देख शाते इमामे आली मकाम तो बाद सुरखी छा गई। ए जेड़े दिन डुबण तो बाद पहला सुरखी हुंदी है ने, शाते हुसैन तो पहला कोई नहीं। खून बरसिया, पत्थर चुकदे ने थले खून, बर्तन लुते ने थले खून। ओ एक कतरा भी जिथे लगा ना, कपड़ा फट गया, रंग मठा नहीं होया। परिंदे रोए ने, आन रोए ने, दरिंदे रोए ने, जिन्ना देर रोन दी आवाज़ आईया। रात पई तरीकी छाई, जदों सो गई कुल खुदाई। ते बीबी पाक खेमिया विचों निकली, चवां पासे नजर उठाई। आदम जात ना नजरी आया, बीबी वल लाशां दे आई। ते करबल दा मैदान डरौना, दो चार लाशां नहीं पईयां, करबल दा मैदान डरौना। उतो खोप हनेरी रेने, लाशां नजर पईयां हर पासे, विच लाश इमाम हुसैन। एक बीबी उते लाश ते बैठी, रोंदी ते बेचैन। पैन गई है मत्था चुबन, पैन गई है वीर दी ज़ियारत करन। वीर इमामे अली मकाम दा शनिवार पहले जुदा हो गया, बाकी शहीदां दा बाज कीता गया। हुण मैं अगे दसी आए यार, तुसा पैन मैयत डिगी वेखी होवेगी, धी भी डिगी वेखी होवेगी। हुण करबला चा पैन मिलन गई, बीबी पाक मिलन गईयां ने, ज़ियारत करन गईयां ने। जदों हथ लाया किते तीरां दे सुराख, किते खंजरां दे वार, किते तलवारां दे फट, किते नेज़ियां दे वार। बीबी ने अगे हथ कीता है, ते सिर नाल कोई नहीं। बीबी गिर गई, कला विच हुसैन नू लै लिया। फरमांदियां ने वीरा मैं तेनू वेखण आई सां, मैं तेरी ज़ियारत करन आई सां। इन्हां बेईमानां ने हुसैन दा सर कलम कीता है। बीबी घुट घुट अपने वीर नू मिलदी है पई। मैं ते कहना वा फट गए जिगर पहाड़ां, मैं ते कहना उन्हां वा पूरां दियां चीखां निकल गईयां। नबी तड़प गए, अली तड़प गए, अरशे मुल्ला हिल गया। और मैं ते कहांगा बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा जन्नत दे महल अंदर मां खतीजातुल कुबरा की झोली जिसे लग के रोंदी होवेगी। नी अम्मा मेरे पुत्र बिखर गए, टुकड़े हो गए, मेरिया तियां नू चुप कराउण वाला कोई नहीं, मेरिया तियां नू दिलासा देण वाला कोई नहीं। बेकपन बेगोलाए बीबी दी हालत वेखी नहीं जांदी। लाश नू हुसैन पाक दे जिस्म नू नाल लाया है, मां लाया लाश बरादी। बीबी रैनब लाशी दे नल गुट दी, केड़ी गलों अज रुसिया वे वीरा। कदी इंज परी दिले टुट दी, पर इंशाला मरन ना वीर किसे दे। इंशाला मरन ना, इंशाला मरन ना वीर
किसे दे शाला मरन नवीर किसे दे शाला मरन नवीर किसे दे जिन्हां दे मापे भी टुर जान जिन्हां दे वीर भी टुर जान कदी ओ भैण वेखी उच्ची नहीं बोलदी जिड़कां जलदियां गुट्ठां च लग के रोंदियां साडी किन्ने सुणीए कौन आउण वाला है ए 18 भरावां दी भैण पई तड़पदी है ਤਾਰਾਂ ਪੈਣਾ ਦੀ ਪੈਣ ਇੰਜ ਰੋਈ ਅਰਸ਼ੇ ਮੋਲਾ ਹਿਲ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੀ ਪੋਸ਼ ਕਰ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲਾਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੀ ਪਈ ਕਰਨੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਾਬਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ ਪਰੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਏ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਕਰ ਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਨੋ ਵੱਲ ਉਹ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਸੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਹੁਸੈਨ ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਜਿਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਉਜੜ ਜਾਏ ਹੁਸੈਨ ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਸੈਨ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਉਜੜਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪੇ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਲਿਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮਾਪਿਆਂ ਉਜ ਜਾਣ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਮੈਂ ਜੂ ਐਵਾਂ ਓਏ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਭੈਣਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਰ ਜਾਣ ਉਹ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਦਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦ ਉਜੜਨ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕੋਈ ਭਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਾਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾਨਾ ਦਾਦਾ ਪੋਤੀ ਦੋਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਕਲੇਜਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਹੁਸੈਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦ ਉਜੜਨ ਦੀਆਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਕੇ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਰਹਿ ਨਾ ਪੇਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਖਮ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਅਚਾਨਕ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਕੀਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਚੰਦ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਫਰਮਾਨਰ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਸਕੀਨਾ ਕਰਬਲਾ ਚ ਵਾਜਾ ਮਾਰਨਾ ਨੀ ਸਕੀਨਾ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ
चाचा माफ कर दे मेरी सकीना गुम हो गई। तुरू आवाज आई वीर आया बैठी हुई हुसैन दा पुत्र भी डिग पिया। जदू भैन ननिया ननिया दा नाल रेत पई फोलदी है निकी पई कर लिए जवाब आया असगर लभ लिया पई। असगर लभ लिया पई शाला मरन ना वीर किसे दे ते ना होन मानिया बैना। जिस बैन दा वीर ना कोई उसकी दुनिया तो लैना। प्राणे फिर चुकिया नी बह जा तेन असगर मिलाना वा। फरमांदिया ने अकबर को ले जा। ज़ैनुलदीन अकबर वल गए ते लाश ते उत्ते डिग पई सकीना। लफज की बोले उठ मेरी बिछड़ी हुई भैन दिया वीरा। उठ मेरी बिछड़ी हुई भैन दिया वीरा। वो तेरा इंतजार कर दी होगी बीबी का कोई हाल नहीं। ज़ैनुला बेदील कदी किसे दे अगे हथ जोड़ दे कदी भैन नू चुप करा दे कदी किसे नू दलासे दे दे। मुसलमानों अकबर दी लाश ते बीबी ओनू मुहम्मद दियां लाशां चोली च पा के वाजा मारे लग पई। ये मेरी एक आवाज ते आउण वाले हो वे बोलो ओयो मावां नू सारी उम्र नींदरां नहीं आउंदियां। जिदी गोद खाली हो जाए पुत्रां दियां गल्लां कर दियां टुर जांदियां। बुढ़े मापे ज़ेहनी तवाज़ुन खो बैंदे जिदे पुत्र टुर जाण। ए करबला वाले पीर ने मुश्किल कुशाई दी मुश्किल कुशाई है। ए रब दा फैसला है ओदा करम नाल हजूर दी नजरे करवे। वरना ए वाकियात तवज्जो नाल सुन लो। कदी असगर नू चुक के गादी दे कोल गई। चाचा ना तू आयो ना पानी आया। मुसलमानों अजीब उठे मंदर है अजीब मंदर है। ये लफ्ज़ छोटे ने दी थी अजे है मेरा आंसू साथ चादर कवर की थी। उठो नी चलो खेमे आज बीबी अजे नेरा है कोई यजीदी कुत्ता बार नहीं। फरमाया ओ तेनी आए सरगी दा तारा चढ़ गया है। इते तहज्जुद ते नफल ना कज़ा हो जाना। मैं अगे अर्ज कीता मैयत छड़ के तियां ते पैना नहीं उठदी बल्कि जदों मंजी चुकी है ना जनाजे दे टाइम नाल ही लमक जांदियां ने चीखां मार दियां ने एक करी मुंह विखा दी पता हुंदा ने वापस नहीं आना दफन हो जाना। मैं सैयदजादीए तेरी नलैन तो जग कुर्बान करा। उठो खुदा दी कसम वापस आई हां आके नफल पढ़े। सैयद ने पढ़े फजर वेले अजान दिती फिर नमाज सैयद ने बाहर पढ़ी बीबियां ने अंदर पढ़ी। जालमा ने शराक नहीं पढ़न दिती ते सिपाहियां आके घेरा पा लिया। बीबियां पाकां नूं पाबंद कीता जिवें तू आना इंज नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सलाम नूं कड़ियां पाबंद कीता। इस तों अगे कोई बात करां उहदे वास्ते होर कई घंटे चाहीदे ने। मेरा दिल सी कि मैं घंटा सवे करांगा तो मेहमान सन साडे अजमल यासीन अजमल साहब महाराज जो अल्लाह मंजूर सी ये ना मुक्कण वाला मजू है। बयान करना किसी की वस की गल ही नहीं। ये उस दर्जे दे जने ने नफूसे कुसिया ने या शाना देन वाला जाने या लैन वाला जाने। साडिया खोपड़ियां बड़िया छोटिया ने अहले बैत की शान बड़ी उची है। वो गल ना करिया जे मैं सैयद होके मिन्नत करना जिदे च इन्हां दी तुहीन होवे। किताबां झूठियां जे
जिदे अशारा तन भी तुहीन होवे किसी सैयदादी दी ओ झूठियां जे तुसां झूठियां जरूर पढ़नियां ते सुननियां ने तुसीं सच्चियां उहनां दीआं शानां बयान करिया करो। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਫਤਵੇ ਫੁਤੇ ਨੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਲਖਮ ਦੀਨ ਹੁਕਮ ਅਲੀ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਰਸਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਦੁਆ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਟਨ ਪਾਕ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਬਰਾ ਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਦਸ ਰੁਪਈਏ ਲੰਗਰ ਸਬੀਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਇਰਾਦਤਨ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕੋਈ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਅ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਮਸਲੇ ਚ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੰਨੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਵੋ ਅੱਲਾ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਬਾਦ ਰਵੋ ਵਮਾ ਲੈਨਾ ਇਲਮ।